खबर भोपाल से बता दें कि आज विधानसभा का दूसरा दिन है, विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया गया है और आज इसका दूसरा दिन है। तो एमपी विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। बता दें कि एससी एसटी आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी मिलेगी, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है प्रस्ताव। तो आज विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन है। बता दें आपको कि कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। विधानसभा का दो दिवसीय ये विशेष सत्र है जो गुरुवार से शुरू हुआ है। बता दें कि इस दौरान 126वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई है और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाने और सदन में एंग्लो इंडियन सदस्य का कोटा समाप्त किए जाने का प्रावधान है और आज विधानसभा का दूसरा दिन है। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में ये प्रस्ताव पास हो चुका है और आज एससी एसटी आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी मिलेगी। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें कि एमपी विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और आज एससी एसटी आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी मिलेगी, लोकसभा और राज्यसभा में ये प्रस्ताव पास हो चुका है और आज दूसरे दिन इसे मंजूरी मिलेगी। बता दें आपको कि 126वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी और ये भी हम आपको बता दें, इसमें अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाने का और सदन में एंग्लो इंडियन सदस्य का कोटा समाप्त किए जाने का प्रावधान है और आज विधानसभा की कार्रवाई पर इस पर चर्चा होगी और बता दें आपको कि मंजूरी भी इस विधेयक को मिलेगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपेश अवस्थी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपेश जी, जानना चाहेंगे कि आज विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन है और एससी एसटी आरक्षण वाले विधेयक को भी मंजूरी मिल सकती है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? आज विधानसभा का दूसरा सत्र है और दूसरा दिन है विधानसभा सत्र का। कल सत्र के दौरान जोरा के विधायक का निधन हुआ था, श्रद्धांजलि दी गई थी और विधानसभा की कार्यवाही कल स्थगित कर दी थी और कल के एजेंडे में विधानसभा संशोधन विधेयक का मामला भी था लेकिन चर्चा नहीं हो पाई थी। आज उस संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। ये संविधान संशोधन विधेयक है। इस विधेयक में एससी एसटी वर्ग को आरक्षण की अवधि 10 साल बढ़ाए जाने का प्रावधान है और साथ ही इसमें एक प्रावधान और है जो कि सदन में एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है तो उसका मनोनयन अब नहीं होगा, इसका प्रावधान उसमें नहीं रखा गया है। इस वजह से सिर्फ एससी एसटी को ही 10 साल का आरक्षण रहेगा और एंग्लो इंडियन का आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो इस विधेयक पे संसद विधेयक पे चर्चा होना है और इसी पे चर्चा और इसको पारित करा के लोकसभा को भेजा जाएगा। बिल्कुल दीपेश जी, और इसके अलावा कोई और भी मुद्दे हो सकते हैं जो गूंज सकते हैं आज कार्रवाई में? नहीं, इस पे सिर्फ एक सूत्री एजेंडा है और सिर्फ इसी पे चर्चा होना है। ये सभी विधायकों को स्पष्ट कर दिया गया है कि और किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी और एजेंडे में सिर्फ एक ही मुद्दे को शामिल किया गया है, इस वजह से किसी और मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना नहीं है। जी चलिए, शुक्रिया दीपेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि आज एससी एसटी आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी विधानसभा में मिलेगी और दो दिवसीय विशेष सत्र था, कल से इसकी शुरुआत हुई है, कल पहला दिन था और आज बता दें कि विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन है और एससी एसटी आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी मिलेगी। हम आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में ये प्रस्ताव पास हो चुका है और आज मध्य प्रदेश विधानसभा में इस विधेयक को मंजूरी मिलेगी। तो बता दें आपको कि विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र चल रहा है, गुरुवार से सत्र शुरू हुआ और इस दौरान 126वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। हम आपको ये भी बता दें कि इसमें अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाने का प्रावधान है और इसी पर ही विधानसभा में मंजूरी होगी, चर्चा होगी, इस विधेयक को मंजूरी आज मिलेगी।